नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। मैनपुरी में तीसरे चरण का मतदान कल होना है। मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो गई हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर 71 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां लगाई गई हैं, जो केंद्रों पर तैनात रहेंगे। पुलिस, पीएसी और गार्ड मिलाकर 10,000 के ऊपर फोर्स भी लगाया गया है। सभी बूथों के लिए नवीन मंडी मैनपुरी से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। आप देखिए, कल तीसरे चरण में जनपद मैनपुरी में भी 20 तारीख को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होना है। आज हम लोग कृषि उत्पादन मंडी समिति मैनपुरी के इस प्रांगण में, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अलग अलग विधानसभावार पोलिंग पार्टियों की रवानगी और पुलिस फोर्स की साथ में हम लोग निर्धारित वाहन और रूट से करा रहे हैं। अभी तक तकरीबन 80% पोलिंग पार्टियों ने अपनी जो ईवीएम और मतदान सामग्री है वो काउंटर से प्राप्त कर लिया है। बसों की भी रवानगी प्रारंभ हो गई है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी हो चुका है, जो यहीं से पोलिंग पार्टियों के साथ बसों पर रवाना हो रहा है। बस निर्धारित ही रूप से जा रहे हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर, स्टैटिक ऑब्जर्वर, जो वीडियोग्राफर्स हैं, जो लगी हुई है टीम में, वो सब टीम के साथ यहीं पर एक साथ रवाना हो रहे हैं। ये लगभग इस चुनाव में हमारे सिविल पुलिस है, पीएसी है, होमगार्ड से 10,000 से ऊपर जवान इसमें तैनात किए गए हैं। साथ में लगभग 71 कंप्लीट पैरामिलिट्री फोर्स लग रही है, जो कि 100% बूथ का कवरेज करेगी। हमारी इलेक्शन संबंधी सारी तैयारियां कंप्लीट है और बूथ और उसके आसपास सिक्योरिटी का एक बॉक्स रहेगा, घेरा रहेगा। किसी को भी 100 मीटर के भीतर में खबर मिर्जापुर से है, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। इसी बीच जिला कलेक्ट्रेट में मड़िहान विधानसभा से निर्दलीय पर्चा दाखिल करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी अरविंद राणा पर्चा निरस्त होने के कारण भड़क गए, जिसके बाद वो कलेक्ट्रेट परिसर में गेट की जमीन पर बैठ गए। वही अरविंद राणा ने विपक्षियों पर पर्चा निरस्त कराने का आरोप लगाया। 399 मड़िहान विधानसभा का निर्दल प्रत्याशी हूं और सर, इतनी लंबी रूट है, बीच में जाम था। 11 बजे हमको बुलाया गया था। हम 11 बजे से थोड़ा सा, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ है, मैं दौड़ के गया हूं गेट पे, अंदर गया हूं। तो जब अंदर गया हूं तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने तो बोल रहे हैं कि आप इतना लेट कर दिए, रिकॉर्डिंग हो गया, आपका पर्चा निरस्त हो गया। तो क्या मानते, कैसे हो गया? ये सब साजिश है, हमारा बढ़ता हुआ प्रभाव और हमारा जो है कि क्षेत्र में बढ़ता हुआ लोकप्रियता को देख करके ये सब विपक्षियों का एक खेल है। अभी देखिए, और भी लोगों के साथ खेल होगा। कौन सा विपक्ष पार्टी मानते हैं? विपक्ष में जो ताकतवर हैं, अपने आप को ताकतवर समझते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अरविंद राणा है। अब आगे क्या करें? विधानसभा क्षेत्र से आप? सर, मैं 399 विधानसभा मड़िहान से हूँ। अब क्या करने का है आपका? करने का क्या है बताइए, अब आगे क्या करेंगे आप? हम तो अब हम, हमारे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करें? हम कोर्ट में जाएंगे, आगे शिकायत करेंगे सर। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर 5 विधानसभाओं में 53 प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान होगा, जिसमें जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने मतदान केंद्र बनाकर 2195 बूथ बनाकर मतदान केंद्रों की प्रक्रिया अपनाई है। वहीं पूरे जनपद में 1 विधानसभा वाइज पिंक बूथ भी बना गए हैं, जिसमें महिलाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। महोबा में होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों का रवाना होना शुरू हो गया है। डीएमएसपी की मौजूदगी में पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्र के लिए रवाना किया जा रहा है। निष्पक्ष चुनाव के लिए 75 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 11 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 20 फरवरी को महोबा में मतदान होगा। निर्वाचन की निगरानी के लिए उड़न दस्ता और सर्विलेंस टीम का गठन किया गया है। महोबा से कितनी पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? 491 पोलिंग सेंटर पर 787 पार्टियां रवाना होंगी, जिसमें से सभी समय समान जो है हमारा ईवीएम, वीवीपैट और जो बैलेट यूनिट्स है उसके सभी इक्विपमेंट ये यहां पर ले रही हैं और उसको मिलान करके धीरे अपनी बसों में बैठकर वहां बूथ के लिए रवाना होंगी। उम्मीद है कि अभी जो है हमारी पोलिंग पार्टी जो है वो रवाना होने का क्रम जो है 11 बजे से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी उसका मिलान चल रहा है और अपनी बसों में वो जा रहे हैं। कितने जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारे यहाँ? 75 जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, 11 जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और 25 माइक्रो ऑब्जर्वर हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो सभी जगह पर पैरामिलिट्री फोर्स एंड जो हमारा
ऑब्जिलरी फोर्स है वो 5 सेंटर पर है जहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर की व्यवस्था की गई है, 75 हमारे जो है वो कैमरे की व्यवस्था की गई है। मिर्जापुर जनपद स्थित माता विंध्यवासिनी के धाम में पहुंचे प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कुलदेवी माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। उन्होंने विंध्यवासिनी कॉरिडोर निर्माण कार्य का अवलोकन किया। दुर्गा शंकर मिश्र ने लोकतंत्र के महापर्व को होली, दीपावली, ईद और क्रिसमस की तरह मतदान दिवस मनाने का निवेदन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 वर्ष में एक बार सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर अच्छी सरकार चुनने का मौका मिलता है। सर, माँ का दर्शन पूजन करने के लिए आए हैं, क्या उद्देश्य, क्या मनोकामना है? आपने देखा, माँ का दर्शन तो है, माँ विंध्यवासिनी ये तो हमारी कुल देवी है। हमारे परिवार में बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे आकर के करते रहे। मैं आया इसलिए माँ का दर्शन किया, माँ का आशीर्वाद लिया। अपने जो कार्य हमें मिला है, जो जिम्मेदारी मिली, उसमें बहुत अच्छे से हम कर सकें, प्रदेश के लिए बहुत अपना सेवा अच्छे से इसको पूरा कर सके, माँ का आशीर्वाद लिया। विंध्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो आप देख ही रहे हैं। अब इसके बारे में मैं अभी तो नहीं बात करूंगा, इसमें बात नहीं करूंगा, तो आप देख रहे हैं कि क्या काम यहाँ पे चल रहे हैं। फतेहपुर जनपद के विकास खंड देवमई के प्राथमिक विद्यालय जोगापुर में महिला खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिला एवं पुरुषों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित करना था। पहले मतदान फिर जलपान जैसे स्लोगन को बताते हुए विकासखंड अधिकारी सुषमा ने संबोधन में कहा कि आगामी 23 फरवरी को चौथे चरण में होने वाले मतदान के लिए पुरुषों की सहभागिता के साथ महिलाओं की भी मतदान करना जरूर चाहिए। दूसरा उद्देश्य महिलाओं के अंदर जो एक झिझक होती है उसको दूर करने के लिए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए प्रेरित किया गया है। खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत और महिलाओं द्वारा लंगड़ी रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देखिए, 23 फरवरी को अपने जनपद फतेहपुर में मतदान है, तो महिला खेल प्रतियोगिता का आयोजन 100% वोटर को जागरूक करने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए किया गया है कि आने वाली 23 तारीख को हमारे जो है जनपद फतेहपुर में 100% मतदान हो। इसके लिए पहली बार ये खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मुझे उम्मीद है कि जो है 23 फरवरी को इस गेम्स की वजह से और भी महिलाएँ प्रेरित होंगी और जो है 100% वोटिंग करेंगी, महिला के साथ साथ पुरुष भी, क्योंकि हमारा 100% मतदान होना है, तो इसलिए इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बांसडीहा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी दर्जनों की संख्या में वीआईपी पार्टी ज्वाइन किया। कनक पांडे का कहना है कि वीआईपी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। कनक पांडे ने बताया कि अभी सभी पार्टियों में से पदाधिकारी ज्वाइन करेंगे। अजय शंकर कनक पांडे बीजेपी बागी होकर वीआईपी पार्टी ज्वाइन किया, बीजेपी में सेंधमारी कर रहे हैं। रेवती मंडल के जितने भी पदाधिकारी थे उसमें से लगभग 90% पदाधिकारी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता त्याग कर और वीआईपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम आज का चल रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में विधायक बनने की हसरत कई लोगों की आज टूट गई। नामांकन पत्र की जांच में जब पर्चा निरस्त हुआ तो एमएलए बनने का सपना टूटते देख आंखों में आंसू आ गए। मिर्जापुर में विधानसभा चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट में आज नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें 96 विधानसभा से निर्दलीय महिला प्रत्याशी राधिका बेलदार को जब बताया गया कि उसका नामांकन पत्र जाति प्रमाण पत्र में कमी के कारण खारिज कर दिया गया है, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गई। सर, मेरा जबरी साइन करवा के जो मतलब जात प्रमाण पर कर रहे हैं, आपका जात प्रमाण वैसे वैसे है और खारिज कर दे रहे हैं, जबरी साइन करवा, पूछ रहे हैं किस लिए साइन करवा रहे हैं, नहीं बताएं, और जब साइन करवा लिए तब कह रहे हैं कि तुम्हारा रिजेक्ट हो गया। क्या रिजेक्ट हो गया? यही मतलब जात का है और यही जो धर बैठे थे विधायकी का पर्चा नामांकन दाखिल हो गया। जी सर, क्या कारण बता रहे हैं? यही सिर्फ जात जात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? क्या चाहती हैं आप? यही जब से हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से हम नहीं जाएंगे। वर्तमान में जिला पंचायत भी थे और सन 2015 में भी लड़े थे, सेकंड फाइटर थे, और इस समय वर्तमान में हैं।
सर देखिए कि ये राधिका बेलदार जी हैं जो कि 96 प्रत्याशी हैं 96 विधानसभा के, और इन्होंने आर ओ ने मोटी रकम लेकर इन्होंने इनका पर्चा खारिज किया गया जो कि आज जाति प्रमाण पत्र को खारिज किए, जो कि जाति प्रमाण पत्र की इनको अथॉरिटी नहीं है, इनको जाति प्रमाण पत्र की अथॉरिटी नहीं है खारिज करने का, जो कि इनके साथ टीम गठन होगी, साथ टीम आएगी वो जाति प्रमाण पत्र खारिज करेगी, और जो कि इनका पर्चा नहीं खारिज हुआ है, इनका जाति प्रमाण पत्र खारिज किए, क्यों खारिज किए भाई, उसी सर्टिफिकेट पर इन्होंने जिला पंचायत वर्तमान समय पर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भी है, क्योंकि 2022 के चुनाव को मद्देनजर आज यूपी के औरैया जनपद में मंडी समिति से आज जिला प्रशासन और पुलिस की सुरक्षा के घेरे में ईवीएम मशीनों के साथ 1281 पोलिंग पार्टियां जिसमें 5,124 मतदान कर्मी रवाना हुए। मंडी समिति औरैया से आज चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए जिला पुलिस प्रशासन के साथ ही बाहरी जनपदों से पुलिस आई और सीआरपीएफ समेत पीएसी हर बूथ व पोलिंग पार्टियों समेत ईवीएम की सुरक्षा के लिए सशस्त्र तैयार है। बता दें कि जनपद के 3 विधानसभा औरैया दिव्यापुर व बिथुना विधानसभा में कुल 10,15,158 मतदाता हैं जिसमें 4,62,197 महिला व 5,52,934 पुरुष मतदाता हैं। सहारनपुर में जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अशरद मदनी ने अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि 2008 में अहमदाबाद के अंदर जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए उसमें दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, उनका केस अमियत उलेमा ए हिंद लड़ेंगे और उनको बाइज्जत बरी कराएंगे। इसमें पहले भी जमीयत उलेमा ए हिंद ने अक्षरधाम मंदिर मामले में केस लड़ा था। हाँ, ये सन 2008 में जो बम ब्लास्ट हुए थे उसके नतीजे में इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा था, जिस तरह से कि इल्ज़ाम बराबर मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगते रहे हैं, और जमीयत उलमा इन हालात के अंदर इनके केस को लड़ रही थी, इसलिए कि इस तरह के लोग बिल्कुल बेयार मददगार होते हैं, कोई उनकी मदद नहीं कर पाता है। जमीयत उलमा हिंद ने इनके केस को लड़ा और ये 13 साल से तकरीबन 77 आदमी जेल में बंद थे, अब आकर के इसका लोअर कोर्ट से फैसला हुआ है तो उसके अंदर 28 आदमियों को बरी किया गया है, 38 आदमियों को फांसी की सज़ा दी गई है। इनके अंदर भी जमीयत उलमा इंशाल्लाह आखिरी हद तक केस को लड़ती रहेगी और जो भी खिदमत की जा सकती है, और जिस तरह बड़े से बड़े वकीलों की खिदमत हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ली जा सकती है ली जाएगी, और हमें ये तवक्को है कि जिस तरह हमें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी मददें मिलती रही हैं और अक्षरधाम मंदिर के सिलसिले में हमें मदद मिली है, इसी तरीके पर इंशाल्लाह इन मजलूमीन के सिलसिले के अंदर भी हमें मदद मिलेगी, और अल्लाह चाहेगा तो ये बाइज्जत बरी हो कुल। अभी तो हाई कोर्ट का मसला है, जितने दिन भी लगे हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हमें तवक्को है कि हो सकता है कि हाई कोर्ट से इनकी सज़ा में तकलीफ हो जाए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता वहाँ हम कामयाब न हुए तो। फरीदाबाद में उत्तराखंड भातृमंडल और श्री बद्री केदार मंदिर ट्रस्ट की ओर से परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा का मंदिर के भूमि पूजन में शुभ अवसर पर पहुंचकर शॉल भेंट कर स्वागत किया गया और हरियाणा सरकार के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा में रहने वाले लोगों का हरियाणा की भाजपा सरकार ने हमेशा सम्मान किया है। और वहां में कुछ भी कह सकता है, मैं लक्ष्मण मनोहर की सरकार ने मुझे वजीर बनाया है और मैं वजीर की मर्यादा में काम करूंगा, और मुझे आप लोगों की सेवा के लिए तैयार किया है, और ये सेवा भाग्य से मिलती है। कहते हैं बहुत से साथी तो कहते हैं मुझे करने के लिए कुछ नहीं है, और हम कहते हैं तो करने के लिए बहुत कुछ है। बहुत से दानी हो सकते, दान नहीं कर सकते, दिल नहीं है, पर मैं कहता हूं कि कोई सामाजिक धार्मिक संस्था ऐसी नहीं है जिसके विकास के नेतृत्व में
हम लोग को विकास में कमी रखेंगे। कानपुर देहात में 2022 चुनाव के मद्देनजर यूपी के कानपुर देहात जनपद के जिला मुख्यालय से जिला प्रशासन और पुलिस की सुरक्षा के घेरे में ईवीएम मशीनों के साथ पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। जिला मुख्यालय माती से चुनाव को निष्पक्ष तरीके से निपटाने के लिए जिला प्रशासन के साथ ही बाहरी जनपदों से आई पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों समेत पीएससी हर बूथ और पोलिंग पार्टियों समेत ईवीएम की सुरक्षा के लिए सशस्त्र तैयार है, पोलिंग बूथ पर तैनात किए गए हैं। खबर फरीदाबाद से है जहां पड़ोस में रहने वाली महिला ने एक युवक का सिर फोड़ दिया। युवक का कहना है कि उसने गलती से पड़ोस में रहने वाली महिला को फोन मिला दिया, जिस पर वह तमतमा गई और उसने डंडा मारकर उसे चोटिल कर दिया। घायल को फिलहाल सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एक लेडीज थी, उनका नाम बिमला है और साहिल है, उनके दोनों मारे, तीन में सोटा मारा है साथ में। क्यों? तो गलती से कॉल मिल गया था। अच्छा। उसी बात पे अपनी छोरी पे डाउट कर रहे थे, इस बात पे। वो बिमला, बिमला मतलब गलती से फोन मिल गया आपका, वो सकने लगे कि मैं लड़की के पास फोन कर रही हूँ। उसके पास पे मैंने नंबर भी दिखाया, मैं इस नंबर पे कॉल कर रहा था, वो गलती से मिल गया, मिलता जुलता नंबर था कोई। हाँ। इसी बात को लेकर डंडा मार दिया। पुलिस को बताया नहीं? बताया अभी? अभी तो नहीं बताया, मैं सीधा यहीं आया हूँ पट्टी। बताओगे? एक तरुण नाम का लड़का है, मछगल से आया है और इसके साथ मारपीट हुई है। किसी उसकी पड़ोसी या किसी गाँव वाले ने इसके साथ मारपीट की है और इंजर तो है ही, सर पे चोट लगी है, किसी भारी चीज़ से वार किया गया है और अभी हम इसकी फर्स्ट एड करके इसको हम वापस भेज देंगे पुलिस के थ्रू, MLC भी हमने काट देनी है इसकी। सोनभद्र में स्थानीय नगर पंचायत के अमवार रोड स्थित इंडियन बैंक शाखा के सामने सड़क पर खड़ी कार में धुआं निकलने लगा और आग की लपटें उठने लगी। मौके पर मौजूद दो युवक कलामुद्दीन और मोहम्मद फैयाज ने हिम्मत दिखाते हुए कार में बैठे मासूम को बाहर निकाला और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और नगर वासियों ने नगर अध्यक्ष सहित कई सभासदों के कार में लगी आग को पानी से बुझाया। आक्रोशित नगर वासियों ने कहा कि मौके पर कोई फायर ब्रिगेड वाहन नहीं पहुंचा। कुछ मामला नहीं था, गाड़ी पर खड़ा करके हम यहाँ बगल में खड़ा थे, अपने आग लगा 5 मिनट बाद, तो गाड़ी यहाँ खड़ा करके यहाँ लड़की सजा रहा था, बाराती गाड़ी है। तो क्या किसी को कोई दिक्कत भी हुआ है? लड़का खास जला है। तो कैसे आग लग गया, क्या कारण है? अपने आप लगा है, गाड़ी है, उनके परिवार के सदस्य कहीं जा रहे थे, लेकिन संजोग कही है कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके अभी बगल के किसी दुकान पे वो शॉपिंग के लिए गए थे, ऑटोमेटिक आग लग गई। अब यह तो जांच का विषय है कि आग कैसे लगी, बैटरी से हो सकता है या किसी तरह। आग लगने से किसी की कोई नुकसान भी हुआ? नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ है, गाड़ी जली है और कोई जन हानि नहीं हुई। उधर से हम आए हैं बैक से, इसी जगह देखे तो हल्का हल्का धुआं दे रहा था, जब तक देखने लगे हम लोग खुद के भाई इसमें क्या हो रहा है, भाई धुआं हो रहा है, जब तक ये लड़का भी आ गया और उसी में मतलब जब धुआं होने लगा तो लड़का मतलब पखल वखल लाल लगते, मतलब कुछ नहीं लगा, हम लोग गेट खोलने लगे तो गेट देखने लगता, इसके बाद तो वही शीशा फोड़ के एक लड़का के निकाले हैं। तो कार पे कितने लोग सवार थे? उसमें एक ही वो लड़की था। कितने साल का लड़का? वो 5 साल के लड़का था। तो क्या हुआ, उसको कुछ हानि हुआ है? हाँ, वो थोड़ा सा मतलब पूरा झोला गया है, मतलब लड़का देखे जब आग लगा था तो सब चिल्लाने लगे, आग लग गया, आग लग गया, फिर सुने कि उसमें बच्चा है, कोई बचाने वाला था नहीं, तो शीशा फोड़ने लगे। कुछ लोग कहे कि शीशा मत फोड़ो, हम भी सोचे कि नया गाड़ी है, कहाँ है कहाँ नहीं, कोई बोलने लगेगा, जब सुने कि बच्चा है तब हम हाथ से मारे, बहुत प्रयास किए, नहीं फूटा, भी पत्थर उठा के मारे तो फूटा, तो चारों गेट का लॉक खोले तुरंत दौड़ के, फिर बच्चा उसी में अंधरिया में छटपटा रहा था, फिर खींच के उसको निकाले, तत्काल तुरंत हॉस्पिटल भेजवा। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।